चिंताजनक खबर आ रही है जनपद जौनपुर से, जहां जमीनी बिलाल को लेकर भटकते रहते हैं लेकिन न्याय की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। पीड़ित अवध नारायण तिवारी ग्राम निहोरा तहसील किराकत थाना जलालपुर के निवासी हैं। जमीन विवाद को लेकर लगभग 30 सालों से कलेक्ट्रेट कोर्ट नंबर 180 न्यायालय का चक्कर काट रहे हैं और अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा, और वो भी दो बार डिग्री हो गई है उसके बावजूद। आइए देखते हैं इस मौके पर खुद पीड़ित अवध नारायण तिवारी ने क्या कुछ कहा। आपका शुभ नाम क्या है? जी सर, हमारा नाम शुभ नाम है अमरनाथ तिवारी, पिताजी का नाम मुनिलाल तिवारी। आपको क्या परेशानी है? सर मुझे परेशानी हमारी ज़मीन थोड़ी सी है, जिस पे किसी ने गलत ढंग से हमारा पड़ोसी ने नाम अपना दर्ज करवा लिया, तो हमने अतिरिक्त यहाँ अपना एप्लीकेशन दिया और 99 में उसकी डिग्री हुई। अब इस डिग्री के बाद उन्होंने तजवीसानी किया जौनपुर, तजवीसानी खारिज हो गई तो कमिश्नरी गए बनारस, मंडल आयुक्त ने उनको 10,000 रुपये हर्जा लगा करके फिर अतिरिक्त के यहाँ वापस कर दिया कि 90 दिन के अंदर ये 10,000 रुपये हर्जा दे करके वादी को अपनी सुनवाई सुने। तो उन्होंने न तो हर्जा दिया न तो चलान दिया न रसीद दिया, जिसका 4/4 में अतिरिक्त साहब ने जो है फिर इसको जो है 99 का फैसला बहाल कर दिया। नहीं, ये कोर्ट में चल रहा है मामला कि कहाँ चल रहा है? जी ये कोर्ट में चल रहा है, अपर आयुक्त अतिरिक्त। तो कोर्ट में कोर्ट का कोई आदेश आपको हुआ मिला है? कोर्ट का आदेश मिला है साहब, दो दो डिग्री फैसला दिए हैं इसे। तो डिग्री आपने फैसला दिए तो आप किसी अधिकारी के पास ले गए या फिर कोर्ट में उस चीज़ को दाखिल किए कि सर ये नहीं माने जा रहे इस कानून को, तो क्या सर? जी हमने इसके लिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया था, उनका जो है वहाँ से आया था, उनके सचिव ने भेजा था जो है कि उनकी सुनवाई जल्द से जल्द तत्काल की जाए, तो DM साहब ने यहाँ भेज दिया, तो इन्होंने ये लोग मिलकर के एक आख्या लगा दी 10,000 रुपये हर्जा की वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो हर्जा किसको देना है? जी सर, हर्जा प्रतिवादी को देना है। तो उसने क्या कह रहे हैं? तो नहीं दे साहब, बोला मैं पैसा जमा कर दिया हूँ चलान द्वारा, कहीं जमा कर दिया है, कहाँ दिया है, कहीं नहीं दिया है, नहीं पता। तो आप चाहते क्या है इसमें? सर मैं इसकी फैसला चाहता हूँ कि इसका फैसला तत्काल हो जाए और जो सही न्याय है वो न्याय मिले मुझे। तो भाई ये कोर्ट में मामला चल रहा है तो इसमें कैसे संज्ञान में लिया जाए? कोर्ट से कोई आदेश हो तो ले जाए कि आप? कोर्ट से आदेश है, इसमें हमारे पास सब कुछ है जो है, 99 की डिग्री है। दिखाइए आदेश। 99 की डिग्री है सर इसमें, इसके बाद जो उनको हर्जा लगा है ये देखिए। अच्छा, तो अब ये इस समय कहाँ मुकदमा चल रहा है? जी सर वहीं अतिरिक्त यहाँ चल रहा है कोर्ट नंबर 18 में। 18 ये कलेक्ट्रेट में, मतलब जौनपुर कलेक्ट्रेट जी में। जी सर, तो वहाँ पे कोई निर्णय आप अभी तारीख वरीख पड़ा है? वहाँ से भी तो कई निर्णय मिले हैं, उनकी जो वरासत हुई थी उसको भी खारिज कर दिए हैं, और उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे तो स्टे दिए, फिर भी नहीं माने जो है वो, ज़बरदस्ती थाना पुलिस कोई सुनी नहीं और कब्जा कर लिए हैं। तो कितने साल से आप लड़ रहे हैं इस मुकदमे? सर कम से कम हो गया 30 साल के लगभग तो हो गया इसको लड़ते, 92 से लेके आज 20 हो गया, 28 साल हो गया कम से कम। 30 साल मुकदमा अभी लड़ रहे हैं? जी सर। जमीन कितना जमीन का है? जमीन करीब साहब 1 एकड़ है, हमारे दादाजी उसको पट्टा करवाए थे अपने नाम से, ये लोग फर्जी ढंग से जो है अपना नाम चढ़वा लिए, हम लोगों को जानकारी होने के बाद एप्लीकेशन दिए जिसकी 99 में डिग्री हुई, कोई साक्षात नहीं दिए जिसकी डिग्री की अतिरिक्त साहब ने। इसके माने अभी आपको 30 साल हो गया, अब कि न्याय नहीं मिली? नहीं मिली सर, संपूर्ण रूप से तो न्याय नहीं मिली, अभी तक से परेशान किया जा रहा है मुझे। तो इस मामले में आप सरकार को या प्रशासन को क्या कुछ कहने चाहते हैं? प्रशासन को कहना चाहता हूँ मुझ गरीब के साथ न्याय हो, जल्द जल्द मुझे जो है न्यायालय से जो है वो मिले। तो यही आप चाहते हैं? जी। चलिए, आपका शुभ नाम क्या है फिर से? सर हमारा नाम अमरनाथ तिवारी, पिताजी का नाम मुन्नीलाल तिवारी, नाहौरा सिंघापुर ग्राम, थाना जलालपुर है, तहसील कराकत है सर।